आजकल युवाओं पे टिकटॉक का जुनून इस कदर सवार है कि टिकटॉक बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं और सोचते नहीं है कि टिकटॉक बनाकर वीडियो वायरल करना कभी कभी महंगा भी पड़ सकता है। ऐसा ही हुआ है गुजरात के महिसागर ज़िले के बालासिनोर में। बालासिनोर के 4 युवकों ने सांप के साथ टिकटॉक वीडियो बनाकर वायरल किया जो उन्हें महंगा पड़ा। दरअसल सांप के साथ टिकटॉक बनाने वाले 4 युवा सांप को पकड़कर उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। बाद में इसका पूरा गुजराती आदिवासी गीत के साथ टिकटॉक वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। युवा सांप के साथ अत्याचार करते हुए सांप को मार डालते हैं, बाद में सांप को जलाकर सभी सबूत को मिटा देते हैं। युवाओं द्वारा यह वीडियो 5 मार्च को बनाकर वायरल किया गया। जब यह वीडियो महिसागर ज़िले के वन विभाग के पास आया तो वन विभाग हरकत में आया और सांप के साथ अत्याचार कर टिकटॉक वीडियो बनाने वाले युवाओं की जांच पड़ताल में जुट गया। सिर्फ 3 दिन में ही वीडियो वायरल करने वाले 4 युवाओं को बालासिनोर वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया। 5 मार्च को एक टिकटॉक वीडियो मीडिया में घूम रहा था। उसमें एक 3 आदमी मिलकर धामन रेड स्नेक को मारकर उसके साथ वीडियो बना रहे थे और वो वायरल हो गया था। तो उसके बारे में तपास करने पर पता चला कि ये लोग बालासिनोर के रहने वाले हैं। तो हमारे नायब वन संरक्षक श्री महिसागर वन विभाग की सूचना अनुसार हमने तपास की और वाघेला जगदीश मंगल भाई जो गधावाड़ा का रहने वाला है उनको अटक करके पूछा तो बाकी के 3 को हिरासत में ले लिया है और उनको सबको हिरासत में लेकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की कलम के अनुसार उनके ऊपर कार्यवाही चालू की है। महिसागर से वीरेंद्र जोशी की रिपोर्ट।